हेलो जी, सत श्री अकाल जी। तो शाम का टाइम है और मन कर रहा है कुछ चटपटा, नहीं आज कुछ हेल्दी खाने का। तो उसमें आज मैं बना रही हूँ सैलेड। तो देर ना करते हुए जल्दी से देखते हैं ये सैलेड की रेसिपी। एक बात और कहूंगी कि सैलेड बनाने के लिए कटिंग चॉपिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसको आराम आराम से, कहते हैं ना, टीवी देखते देखते या बातें करते करते सारी सब्जियों को कर लीजिए चॉप। मैं दिखाती हूँ सब्जियाँ कौन सी है। तो सैलेड के लिए हमें चाहिए है आइसबर्ग, जो कि मैंने इसको थोड़ा रफली चॉप कर लिया है। साथ में मैंने ले लिया है कैरेट। कैरेट को मैंने पतला पतला लंबा काट लिया, धोकर रख लिया, ड्राई हो गए हैं। साथ में लिया मैंने पेपर्स लाल वाली। साथ में लिया है एक टमाटर, इसके सीड्स मैंने निकाल दिए हैं। साथ में लिया है बंद गोभी, इसको भी पतला पतला लंबा काट लिया है। और साथ में मैंने ली है येलो वाली पेपर्स। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारे के लिए चाहिए मैंगो। यहाँ पे मैंने सफ़ेदा आम लिया एक बड़ा सा, इसको अब हम स्लाइस में काट लेंगे पतला पतला, जो कि हमारे सैलेड में बहुत ही अच्छा लगता है। पतला पतला लंबा लंबा इसको भी हम ऐसे काट लेंगे। ये बंद गोभी आ गई, इसको हटा दूंगी एक बारी और इस सारे आम को भी हम काट लेते हैं। हम इसको काट लेंगे, ये हमने बिल्कुल दोनों जो स्लाइसेस थे हमने काट लिए हैं। और चाहे सीड आप रख दीजिए, सीड के लिए हम मैंगो जो शेक बनाएंगे उसमें यूज़ कर लेंगे। ऐसे एक सेब छील लिया है, सेब को भी बिल्कुल जैसे मैंने आम को स्लाइस में करा है वैसे पतला पतला लंबा लंबा काट लेंगे। और जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी हमें मिंट लीव्स, तो मैं ये पत्ते भी तोड़ रही हूँ। ये पत्ते मैंने धो के रख लिए थे, अब ये जो अच्छे अच्छे हैं वो मैं रख लूँगी, इसे जाने के लिए रख देती हूँ। अब हम बनाएंगे ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के लिए इशिता कौर ने ले लिया है 5 से 6 तुरी लहसुन की, और इसको करेगी अच्छी तरह क्रश। क्रश करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, बहुत हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट। अच्छी तरह आप क्रश कर लीजिए। आप देख सकते हैं हमने सारा जो अपना गार्लिक है इसको अच्छी तरह क्रश कर लिया है। अब ये इशिता डाल रही है बाउल में, सारा डाल दे बेटा। तो अब इशिता क्रश कर रही है गुड़ को अच्छी तरह। मैंने यहाँ पे एक चंक गुड़ का जो एक छोटी डली होती है वो ली है। ये जो हमने गुड़ को अच्छी तरह पीसा था, जो हमने गुड़ की चटनी बना दी थी उसको भी हमने अच्छी तरह डाल दिया अपने बाउल में। और अब हम इसमें डालेंगे, मैंने अदरक जो है उसको भी फाइनली चॉप कर लिया, बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया, ये भी डाल देंगे अपने इस ड्रेसिंग में। और साथ में हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। मैंने यहाँ पे 3 बड़े लेमन जूस लिए हैं, मैं लेमन को अच्छी तरह स्क्वीज कर लिया और उसका जूस, 3 नींबू का रस। और साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाइट सोया सॉस, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी स्वीट चिली, रेड चिली सॉस है, स्वीट नहीं, रेड चिली सॉस, थोड़ी सी रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सेसमे ऑयल, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ऑयल का, सेसमे ऑयल का, जस्ट 1 टीस्पून छोटे वाला। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 चम्मच पीनट बटर का। और अगर आपके पास बटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर लीजिए, नहीं तो आप मूंगफली को क्रश करके डाल लीजिए, लेकिन मैं अभी मूंगफली भी डालूँगी। इन सबको अब हम अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स, और अपनी हम सॉस को कर लेंगे रेडी। इसको हमें 5 मिनट तो आराम से लग जाएंगे मिक्स करने में, क्योंकि जो गुड़ है उसको हमें जो अच्छी तरह ग्लेज करना है, मेल्ट करना है। तो अब हम इसमें, आप देख सकते हो हमारा ये जो ग्लेज है बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो गया है, जो हमारी ड्रेसिंग है। अब हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले तो मैं डालूंगी इसमें 1 हरी मिर्च, यानी कि हरी मिर्च का करंट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है, थोड़ा खट्टा मीठा तीखा, ये बिल्कुल वैसी ड्रेसिंग है। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ रोस्टेड पीनट्स। साथ में ये जो मैंने इसमें मिंट लीव थी इसको ऐसे रफली चॉप करके इसमें भी डाल रही हूँ।
अब हम इसमें डालेंगे सारी वेजिटेबल्स जो हमने काट के रखी थी सैलड की। ठीक है, मैंने डाली है पेपर, अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक टमाटर, और अब मैं इसमें डालूंगी गाजर। स्टॉप, और गाजर के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ येलो वाली पेपर्स। अगर आपके पास हरी शिमला मिर्च है तो आप ज़रूर डालिएगा, मेरे पास थी नहीं इससे मैंने डाली नहीं। साथ में पतली पतली लंबी लंबी मैं इसमें डाल रही हूँ कैबेज, बंद गोभी, और अगर इसमें कोई भी जो मोटी मोटी लगे आपको वो प्लीज़ निकाल दीजिए, क्योंकि वो सैलड में अच्छी नहीं लगती ऐसे वाली, तो वो आप निकाल लीजिएगा। और ये लीव्स डाल देंगे हम बंद गोभी की, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ आइसबर्ग सलाद पत्ता, अब हम अपनी ये सारी सब्जियों को अपनी जो अपनी ड्रेसिंग्स जो हमने तैयार की थी इसके साथ मिक्स करेंगे। अभी हम फ्रूट नहीं डालेंगे जो हमने काट के रखा था, क्योंकि जो मैंगो की स्लाइस है वो टूट जाएगी, इसलिए हम पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं सॉस के साथ, सारे सलाद पत्तों को, सारी सब्जियों को जिसे हम हेल्दी कह रहे हैं। इसमें थोड़ा ग्रीन मिसिंग है तो वो मैं अभी इसमें थोड़ी सी मिंट लीव्स और डालूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी एप्पल। एप्पल मैंने पहले काट लिया था तो वो काफ़ी रेड काला पड़ना शुरू हो जाता है, इसको आप सबसे लास्ट में काटिएगा। और साथ में हम इसमें डालेंगे अपनी मैंगो की स्लाइस, जो मैं आधी अभी डाल रही हूँ, आधी अभी अपना जब ये सैलड सजाऊंगी उसमें तब डालूंगी, और इसके साथ अच्छी तरह आप मिक्स कर लीजिए। तो अब हम जो अपना सैलड है इसकी हम करेंगे प्लेटिंग। सारा सैलड मैं डाल रही हूँ प्लेट में। अभी मैंने इसमें थोड़े से पीनट एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, क्योंकि राजा जी को पीनट्स बहुत पसंद आते हैं सैलड में। सैलड हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं सैलड पर डाल रही हूँ थोड़े से अपने वाइट तिल, ये बहुत सुंदर लगते हैं। वाइट तिल डालने के बाद अभी मैं इसमें डालूँगी बहुत थोड़ा सा यही तिल का तेल, सेसमे ऑयल, जस्ट एक अच्छा किक देने के लिए, दैट्स इट, दैट्स इट। देखो जी, हमारा सैलेड तैयार हो गया है। इसको आप थोड़ी देर रख दीजिए फ्रिज में, इसको ठंडा ठंडा सर्व करिए। लेकिन मेरे पास अभी ठंडा करने का टाइम नहीं था, मेरे सरदार जी कर रहे हैं वेट, तो करेंगे ये टेस्ट। राजा जी बिल्कुल तैयार है, जबरदस्त तैयार है जी। कहते ना अंत भला तो सब भला, अंत भले का भला, तभी तो कहते हैं सबर का फल खट्टा मीठा, मीठा और तीखा भी होता है। ओहो, मीठे मीठे मैंगो भी डालो, मैंगो मैंगो। भगवान का नाम लेके शुरू करें। हाँ जी, आप तो ऐसे करें, मैं आपको क्या क्या खिलाती हूँ। सेसमे का जो टेस्ट और फ्लेवर आ रहा है, तो जो सॉस का जो खट्टा मीठा है, और इसमें जो स्पेशली पीनट का भी जो फ्लेवर आ रहा है ना, वो भी बहुत अच्छा लगता है। हाउ वाज इट राजा जी? स्वादी हूँ, स्वादी नहीं, बहुत स्वादी हूँ, ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। आप लोग भी जरूर जाएं, बनाएं, खाएं, अपनी फैमिली को भी जरूर खिलाएं, हेल्दी लोगों के लिए हेल्दी रेसिपी। जैसे मैं हेल्दी रेसिपी, हेल्दी रेसिपी, हम सभी हेल्दी, वाहेगुरु की मेहर है। एंजॉय। तो देखो जी, ये कर रहे हैं एंजॉय, तो मम्मी जी भी आ रही हैं, मम्मी जी भी करने लगी हैं ये सैलेड को एंजॉय। तो आप लोग भी बनाएं, खाएं। सब्जियां काटने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई नहीं, वही बात है ना, सबर का फल मीठा होता है,
खट्टा मीठा तीखा सब होता है, तो बनाए खाए और इंजॉय कीजिए।